आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। दरअसल आज संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उससे दो चीजें क्लियर हो गई। पहला, ये पता चल गया कि अगले 5 साल न्यू इंडिया के लिए नई मोदी सरकार का रोड मैप क्या होगा, और अभिभाषण के बाद यह भी क्लियर हो गया कि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। संसदीय परंपरा के तहत आज राष्ट्रपति संसद पहुंचे, उनका अभिभाषण हुआ जिसमें उन्होंने मोदी 3.0 के विजन को बताया। दरअसल पिछले 10 साल की उपलब्धियों के जिक्र के साथ साथ अगले 5 साल के लिए सरकार का फ्यूचर प्लान क्या है, ये राष्ट्रपति की तरफ से बताया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मोदी सरकार की नीतियों और चुनौतियों की झांकी देखने को मिली। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि देश किस तरह से तेजी से आगे बढ़ा है और आने वाले समय में भी मोदी सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। राष्ट्रपति ने पेपर लीक की बात भी की और देश को भरोसा भी दिलाया कि पेपर लीक के दोषी बचेंगे नहीं। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक ऐसे शब्द का, एक ऐसे मुद्दे का जिक्र भी हुआ जिसने सियासी पारा हाई कर दिया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया, बताया कि किस तरह से 1975 में संविधान पर हमला हुआ था, हाहाकार मच गया था। तो कुछ इस तरीके की तस्वीर आज सदन में नजर आई। संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है, 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, बीते 24 घंटे के अंदर ये दूसरा मौका है जब देश के सियासी पटल में आपातकाल का जिक्र हुआ है और उस पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। दरअसल आज राष्ट्रपति ने आपातकाल के बारे में बोला, देश को बताया कि किस तरह से 25 जून 1975 को देश में लोकतंत्र पर हमला हुआ, संविधान पर हमला हुआ था और उस हमले से कैसे हाहाकार मचा था, लेकिन लोकतंत्र की ताकत से, उन हालातों से देश उभरा और उसके बाद लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत हुआ। इससे पहले कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सदन में आपातकाल का जिक्र किया जिस पर जमकर हंगामा हुआ और अब विरोधियों के निशाने पर राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब देखिए, लगातार इस बीच एक और बड़ी खबर भी आ रही है, उस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आपातकाल का जिक्र जिस तरीके से हो रहा है आज भी सदन के भीतर हुआ, ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात की, इमरजेंसी पर प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की। राहुल ने कहा कि स्पीकर को राजनीतिक प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था। तो राहुल गांधी की लोकसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात और कहा राहुल गांधी की तरफ से कि राजनीतिक प्रस्ताव स्पीकर को नहीं लाना चाहिए था। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुलाकात की, इमरजेंसी पर प्रस्ताव को लेकर नाराजगी जाहिर की। जिस तरीके से सदन में लोकसभा अध्यक्ष भी आपातकाल का जिक्र करते हुए नजर आए, उसके बाद आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की लोकसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई। अब देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र हुआ तो इस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आया। एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं जो कि अभिभाषण को सरकार की झूठी तारीफों का पुलंदा करार दे रहे हैं। संविधान खतरे में जो नैरेटिव आप लोग चला रहे हैं, उसके जवाब में इमरजेंसी की याद बार बार दिलाई जा रही है। हमने एक दिन पहले देखा, स्पीकर के चुनाव के बाद इमरजेंसी पर प्रस्ताव आया, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव, और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र था और एक प्रकार से निंदा थी कि ये इस पर क्या जवाब है आपका? जवाब बहुत स्पष्ट है कि ये घिसी पिटी बातों को लाते हैं, जो कह सकते हैं गड़े मुर्दे को उखाड़ने की जो कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की, तो हमेशा पुराने इतिहास को लाने की कोशिश करते हैं, नया इतिहास बनाने की बात नहीं करते। आदरणीय राष्ट्रपति का भाषण कैबिनेट का ड्राफ्ट है,
और इस ड्राफ्ट में सरकार का और बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो में इलेक्शन का टाइम पे क्या क्या चीज़ें लोगों ने बात किया वो सेम चीज़ का रिपीट करवाया और रियल इश्यूज़ का बारे में, जॉबलेस इंडिया है, युवा बिना नौकरी का घूम रहे हैं, फार्मर्स तकलीफ में है, महिला का सुरक्षा नहीं है और एमएसएमई सेक्टर डिप्रेशन में है, कैश सेंसेस नहीं हो रहा है, ये सारे रियल इश्यूज़ हैं। इस रियल इश्यूज़ का बारे में उसमें कोई भी बात नहीं किया है, इसका हम लोग ये आज धन्यवाद प्रस्ताव में हम लोग ये सारे मुद्दे उठाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि हम राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, वो जो बोलते हैं वो खुद नहीं लिखते, सरकार लिखती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान कई बार आप लोगों की तरफ से आपत्ति भी दर्ज करवाई गई है, फिर चाहे वो मेजोरिटी की बात कही गई हो, सीए की बात हो या नीट की। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति ऑनरेबल माननीय राष्ट्रपति जी बहुत सम्मान हम करते हैं, पर वो जो स्पीच है वो तो खुद लिखती नहीं है, वो सरकार जो है रूलिंग पार्टी वो प्रिपेयर करके उनको देती है, वो पढ़ती है। तो सरकार का भी जो प्रॉब्लम है 303 से जो वो 240 पे आ गए, ये सरकार को अभी तक ये वो शौक में है, ये समझ नहीं पाए। तो ये जो स्पीच जो उन्होंने दिया था पढ़ने के लिए वो 303 के मुताबिक है, जिसमें लिखा हुआ था कि लोगों ने स्पष्ट मेजोरिटी दिया है, 240 का माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं कि स्पष्ट मेजोरिटी, इसीलिए हमने कहा कि देख लीजिए। अब देखिए राष्ट्रपति का आज जो अभिभाषण हुआ उसमें एक और अहम बात थी, वो थी पेपर लीक का जिक्र। राष्ट्रपति ने देश को बताया कि केंद्र सरकार पेपर लीक के खिलाफ कानून ला चुकी है और देश को भरोसा दिलाया कि देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है, इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। तो नीट पेपर लीक का मुद्दा जिसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस जमकर प्रदर्शन कर रही है, उसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण में आज भी इसका जिक्र किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई चल रही है, तहकीकात चल रही है, जिसका भी नाम सामने आएगा उन सभी को सजा दी जाएगी।